अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फेमस स्ट्रीट फूड चिकन चिल्ली की रेसिपी। और आज मैं आपको इसकी बहुत ही सिंपल स्टेप में रेसिपी दिखाऊंगी, जिससे कि ये चिकन चिल्ली बहुत ही जूसी, टेस्टी और चटपटा बनेगा। आजकल शादियों में, पार्टियों में या तो दावतों में ये चिकन चिल्ली को स्टार्टर के तौर पे सर्व किया जाता है, क्योंकि बच्चों से लेके बड़े सबको ये बहुत ही पसंद आता है। और अगर आपके घर बर्थडे पार्टी हो या तो छोटी सी दावत रखी हो, तो ये चिकन चिल्ली आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि ये चाइनीज फ्लेवर की रेसिपी सबको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए बहुत ही जायकेदार और चटपटे से टेस्ट वाला ये चिकन चिल्ली को कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और इस तरीके से छोटे पीस इसके रखने हैं, ताकि हम जब चिकन को फ्राई करें तो चिकन अंदर तक अच्छे से गल जाए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, टेस्ट के मुताबिक नमक, 1.5 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चिकन मसाला। अगर चिकन मसाला ना हो तो आप रेगुलर गरम मसाला भी ले सकते हैं। 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च और साथ ही में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के मैदा। और चिकन चिल्ली को ऊपर से क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूंगी। अब हम इसमें थोड़ा सा ही ऑरेंज रेड फूड कलर डालेंगे। तो कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, पर इससे ही चिकन चिल्ली का कलर बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल का आएगा। अब हम इसमें एक अंडे को तोड़ के डाल देंगे और अब ये सारी चीज़ों को हमें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो कॉर्नफ्लोर, मैदा और अंडे से हमारे चिकन को बहुत ही अच्छी कोटिंग मिलती है और हमारे ये सारे मसाले चिकन के ऊपर अच्छे से चिपक जाते हैं। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आया है और हमारे सारे मसाले चिकन के ऊपर अच्छे से लग भी गए हैं। स्ट्रीट में जब ये बनाते हैं तो इसमें टेस्टिंग सॉल्ट अजीनोमोटो डाला जाता है, जिससे चिकन जल्दी से गल जाता है, पर वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से मसाले लगा करके 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे फ्रीज में रख देंगे, ताकि हमारे मसालों का फ्लेवर अंदर तक अच्छे से आ जाएगा और चिकन भी हमारी अच्छे से गल जाएगी। तो देखिए, 2 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रीज में से निकाल लिया है। तो अब हम हाथों से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास वक्त हो तो आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए भी फ्रीज में रख सकते हैं, या तो पूरी रात भर के लिए भी फ्रीज में रख सकते हैं। आप ये मैरिनेटेड चिकन को जितना ज्यादा घंटों के लिए फ्रीज में रखोगे, उतना ही हमारा चिकन बहुत सॉफ्ट और जूसी बनता है और जल्दी से ये गल भी जाता है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही हमें चिकन के पीस को इसमें डालना है। तो इस तरीके से एक एक चिकन के पीस को हम डाल देंगे और फिर मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई होने देना है। और इसे हमें हाफ कुक ही करना है, क्योंकि हाफ कुक करने के बाद फिर से दोबारा भी इसे हमें फ्राई करना होता है, ताकि हमारा चिकन ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनता है। हमें इसे तुरंत नहीं हिलाना है, 2 से 3 मिनट हमारा चिकन फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसे हिला लेंगे, ताकि नीचे से ये चिपके नहीं। और अब हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को फ्राई कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे ही मैंने इसे फ्राई किया है और चिकन भी हमारा अभी हाफ फ्राई है। तो इसे हमें दोबारा से फ्राई करना है ऊपर से क्रिस्पी करने के लिए। तो अभी हम ये चिकन को निकाल लेते हैं और इसी तरीके से जो बाकी चिकन बचा है उसे भी हम हाफ फ्राई करके निकाल लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ही इसका कलर आया है, जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो चलिए, ये सारे पीस को हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से जो बाकी हमारा चिकन बचा था उसे भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देखिए, ये चिकन भी हमारा हाफ फ्राई हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। कोटिंग भी आप देख सकते हैं हर एक चिकन के पीस के ऊपर अच्छे से लगी है। तो यहाँ पे सारे चिकन के पीस को मैंने हाफ फ्राई कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि यही तेल को हमें अच्छे से और ज़्यादा गर्म कर लेना है। तो देखिए, तेल मेरा यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया। इसके बाद एक ही साथ मैंने ये सारे चिकन के पीस को इसमें डाल दिया है और अब हमें ये चिकन के पीस को सिर्फ 1 ही मिनट के लिए फ्राई करना है, और वो भी हाई फ्लेम पे। तो इस तरीके से 2 बार फ्राई करने से चिकन हमारा अंदर तक अच्छे से गल जाता है और बहुत टेस्टी भी बनता है, और ऊपर का कोटिंग इसका बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। और आप ध्यान रखिए कि ये टाइम पे हमारा चिकन जले नहीं, या तो इसमें ज़्यादा कलर ना जाए। तो देखिए, फ्राई होते हुए 1 मिनट यहाँ पे हो गई है, तो सारे चिकन के पीस को हम निकाल लेंगे। तो देखिए, आप कलर देख सकते हैं, जिस तरीके से स्ट्रीट पे या रेस्टोरेंट पे चिकन मिलता है, बिल्कुल ऐसा ही हमारा चिकन यहाँ पे रेडी हुआ है और अंदर से अच्छे से गल भी गया है और ऊपर से अच्छा क्रिस्पी भी हो गया है। तो आप ये चिकन के पीस को इसी तरीके से ऊपर से चाट मसाला डालकर खाओगे तो अभी ये बहुत ही टेस्टी लगेगा।
और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। तो हमारे चिकन के पीस फ्राई होके रेडी है, तो आधा काम हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो चलिए अब हम चिकन चिल्ली की टेस्टी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये कुछ सॉसेस चाहिए, जिसमें केचप, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, डार्क सोया सॉस और विनेगर लिया है, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लोहे की वही कढ़ाई को साफ कर लिया है और उसमें 2 बड़े चम्मच मैंने तेल ले लिया है, और जो हमने चिकन फ्राई की थी ये वही तेल है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ अदरक, 1 बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्ची को इस तरीके से चीरा लगा के डाल देंगे। और आपके अदरक लहसुन इस तरीके से चॉप करके ही लेना है, अदरक लहसुन की पेस्ट नहीं डालनी है, क्योंकि कोई भी चाइनीज रेसिपी में चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसे हम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, क्योंकि कोई भी चाइनीज रेसिपी हाई फ्लेम पे फ्राई होती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए अदरक लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और हल्का सा इसमें गुलाबी कलर भी आ गया है। तब हम इसमें प्याज और शिमला मिर्ची डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज को इस तरीके से बड़े टुकड़ों में काट के इसके छिलके अलग कर लिए हैं, और 1 मीडियम साइज के कैप्सिकम को भी इस तरीके से मैंने काट लिया है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास रेड या येलो कैप्सिकम हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, और गाजर भी इसमें आप डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए इसे भी हम तेज आंच के ऊपर फ्राई कर लेते हैं, और सिर्फ आधी मिनट के लिए ही हमें इसे फ्राई करना है, क्योंकि हमें इसे क्रंची रखना है। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस। तो यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने रेड चिली सॉस ले लिया है, साथ ही में मैंने 2 चम्मच भर के ग्रीन चिली सॉस भी लिया है, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। 3 चम्मच भर के मैंने टोमेटो केचप ले लिया है, तो टोमेटो केचप थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही में मैंने 1 चम्मच डार्क सोया सॉस ले लिया है, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे, और 1 चम्मच वाइट विनेगर भी हम इसमें डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से हिला लेना है। चाइनीज़ रेसिपी में ये सारी चीज़ें डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से ही चाइनीज़ रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सी ग्रेवी हमारी यहाँ पे बन रही है, और हाई फ्लेम पे ही हमें इसे हिलाना है, और सब्जियों का क्रंची टेस्ट भी इसमें रहना चाहिए। तो देखिए 1 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से हिला लिया है। तब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को मैंने 3 से 4 चम्मच पानी डाल के इस तरीके से पेस्ट बना ली है, तो इसे हम इसमें डाल देंगे। इससे ग्रेवी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के मुताबिक नमक, 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, साथ ही में हम डालेंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और अब हमें ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आपको इसमें नमक देख करके डालना है, क्योंकि हमारे चिकन में भी हमने नमक डाला हुआ था, और ये हमने जो सॉसेस डाले हैं उसमें भी नमक होता ही है। तो बस ये ग्रेवी को 1 मिनट के लिए ही हम पका लेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट में हमारी ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो गई है, तो इसमें हम 1/2 ग्लास भर के पानी डालेंगे, ताकि ग्रेवी हमारी थोड़ी सी पतली हो जाए और चिकन के हर एक पीस के ऊपर हमारी ग्रेवी अच्छे से कोट हो जाए। तो चलिए 1 मिनट के लिए ही ये ग्रेवी को तेज़ आंच के ऊपर हम पका लेते हैं। 1 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो देखिए बढ़िया सी हमारी चिकन चिल्ली की ग्रेवी यहाँ पर रेडी हो गई है, और ऐसी ही कंसिस्टेंसी होगी तो हमारे चिकन के हर एक पीस के ऊपर ये ग्रेवी अच्छे से कोट होगी। तो चलिए इस टाइम पे हमारी फ्राई की हुई चिकन हम इसमें डाल देंगे, और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हमें ग्रेवी में मिक्स कर लेना है। तो देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन चिल्ली यहाँ पे लग रहा है, और इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो देखिए आप भी इस तरीके से चिकन चिल्ली को बहुत ही सिंपल स्टेप्स से घर पे आसानी से बना सकते हैं। और देखिए लोहे की कढ़ाई में तो ये जो बिल्कुल स्ट्रीट पे मिलता है वैसा ही लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी को 2 से 3 मिनट के लिए चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमारी ये टेस्टी चाइनीज़ ग्रेवी का फ्लेवर हमारी चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है। तो चलिए हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और गर्मा गर्म हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए हमारी चिकन चिल्ली कितनी मज़ेदार और टेम्पिंग लग रही है, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा लगता है। और आजकल तो शादियों में भी ये चिकन चिल्ली को स्टार्टर के तौर पे सर्व किया जाता है, क्योंकि इसे सब बहुत ही पसंद करते हैं। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर से बनाइए, क्योंकि इस तरीके से बनी हुई चिकन चिल्ली आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। और अगर आपके घर में बर्थडे पार्टी हो या तो कोई छोटी सी दावत रखी हो, तो ये चिकन चिल्ली आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि बच्चे हो या बड़े सभी को इस तरीके की चाइनीज़ फ्लेवर वाली चिकन चिल्ली बहुत ही पसंद आती है। चिकन तो हम अलग अलग तरीके की बनाते ही रहते हैं,
पर एक बार आप इस तरीके से चिकन चिली जरूर से बनाइए और इस तरीके से आप डिस्पोजेबल बाउल में इसे सर्व करोगे और साथ में टूथपिक भी रख देंगे तो बच्चे तो बस यही खाने वाले हैं। तो आज की मेरी स्ट्रीट स्टाइल की चिकन चिल्ली की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और ये रेसिपी को सबके साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैप्पी कुकिंग।